तो आलू टिक्की बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पे उबले हुए आलू, जिनको हमने ठंडा कर लिया है। हमें गरम आलू का यूज नहीं करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए इसके अंदर, जिससे कि फ्लेवर इसमें अच्छा आएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, जिससे कि इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है काला नमक डालने से। इसमें हम डाल देते हैं धनिया, आप इसमें पुदीने का यूज भी कर सकते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये है इसमें नींबू का रस, हम इसमें डाल देते हैं इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। इसमें हम 2-3 चम्मच डालेंगे चावल का आटा, पहले हम थोड़ा ही डालेंगे, बाद में फिर हम और डाल देंगे इसमें। तो ये हमने इसमें 2-3 चम्मच डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें सूजी का यूज भी कर सकते हैं, सूजी को एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लें, उसके बाद सूजी का यूज कर सकते हैं, उससे भी टिक्की जो है एकदम क्रिस्पी बनेगी। कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड क्रम्स, उससे इतनी क्रिस्पी नहीं बनती है जितने की चावल के आटे को यूज करने से बनती है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसमें हम थोड़े से चावल का आटा और डाल देते हैं। हमें इसे आटे की तरह गूंदना है, आटे की तरह बनाना है। तो अब ये हमारा आटे की तरह गूंद चुका है, अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। हमारे जो ये आलू का जो पेस्ट है ये एकदम सेट हो चुका है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये, और यहाँ पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब ऐसे ही इनको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ऑयल है वो भी गरम हो चुका है, और अब हम अपनी टिक्कियाँ इसके अंदर डाल देते हैं। अपनी हम सारी टिक्कियां जो है फ्राइंग पैन में डाल लेंगे। अब हम इनको लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया एकदम, और देखने में भी एकदम क्रिस्पी। तो हम इसको दूसरी साइड से फेंकेंगे। हमारी टिक्कियां जो एकदम बन के तैयार हो चुकी हैं, आप देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। कितनी क्रिस्पी बन चुकी हैं आप आवाज सुन के पता कर सकते हैं, देखिए। आप टिक्की को ऐसे
से बना के भी सर्व कर सकते हैं। आप देखिए कितनी ज्यादा टेस्टी दिख रही है, तो ये देखिए।